हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केरला रसोई। आज का हमारा रेसिपी है पनियारम। अब वीडियो पूरा देखिए, ये हम कैसे बनाया है। ये इडली का बैटर है। मैं पहले दो वीडियो में किया है इडली का बैटर कैसे बनाते हैं। और आप इडली का बैटर अभी रेडी है। अभी इसमें हमें चाहिए एक छोटा प्याज, इसको छोटा छोटा काट के इसमें दीजिए। और दो हरी मिर्च, वो भी छोटा काट के साथ में दीजिए। और एक छोटा पीस अदरक, इसको हम ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। अभी अदरक भी दिया। इसके ऊपर हमें चाहिए थोड़ा सा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता है थोड़ा थोड़ा सा छोटा पीस करके डाल दीजिए। और इसमें नमक मैं पहले ही दिया था, जब कल मैं इसका बैटर बनाया मिक्सी में तभी मैं नमक दे के बनाया। फिर इसी तरह अच्छे से मिक्स कीजिए। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स किया। अभी इसको हम एक साइड में थोड़ा रस करने के लिए रहने दीजिए। अब हम इसके साथ जो चटनी है वो बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए मैं इधर एक प्याज इसका थोड़ा बड़ा साइज में कट के रखा है। अभी हमारा प्याज थोड़ा सा फ्राई होने लगा, इसी में हम डाल देंगे ये एक बड़ा साइज का टमाटर है, इसको भी बड़ा काट के इसके साथ में फ्राई होने दीजिए। देखिए अभी टमाटर भी थोड़ा सा स्मूथ हो गया। इसी टाइम हम देंगे ये कश्मीरी चिल्ली पाउडर है, इसमें ज्यादा कलर के लिए डालते हैं लेकिन ये ज्यादा तीखा नहीं है। और ये दिया और ये भी साथ में फ्राई होने दीजिए और स्टोव ऑफ कीजिए। अभी चिल्ली पाउडर भी साथ में अच्छा गर्म हो गया, एक थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस देंगे। अभी मैं इसको थोड़ा पानी भी डाल के अच्छे से पीस करके डाली हूँ। और एक कढ़ाई रखा है और थोड़ा सा आधा चम्मच के लिए तेल दिया और थोड़ा सा सरसों दीजिए, एक दो लाल मिर्च, फिर आधा चम्मच के लिए ये उड़द की दाल है, इसको भी साथ में फ्राई होने दीजिए। अभी उड़द की दाल भी फ्राई हो गया, इसमें हम देंगे ये एक पिंच के लिए हींग है, हींग दिया, साथ में दीजिए कड़ी पत्ता। और इसमें दीजिए हम जो चटनी पीस के लाई होगी। फिर आपको जितना कंसिस्टेंसी चाहिए उसी का जैसे पानी भी डाल सकते हैं। और हमें देना है थोड़ा सा नमक। अभी थोड़ा सा इसको गर्म करना है, अभी ज्यादा बॉईल नहीं करना, ये हमारा चटनी रेडी हो गया। अभी हम बनाएंगे पनियारम। ये जो आप लोग अप्पे बनाने का बर्तन है, इसमें थोड़ा सा करके तेल ऐसे स्प्रेड कीजिए। अभी पैन अच्छा गर्म हो गया, जो हमने पहले बैटर रेडी करके रखा था, ये है बैटर का कंसिस्टेंसी। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। अभी सारे जगह में ये बैटर डाल दिया, इसको हम ढककर रखना है और स्टोव भी एकदम सिम करके रखना, 2 मिनट रहने दीजिए। अभी 2 मिनट हो गया। अभी एक साइड रेडी है, इसको हम एक चाकू से नहीं तो कोई चम्मच से आपको पलट सकते हैं, इसी तरह पलटना है, इसी तरह आपको आराम से पलट सकते हैं। इसी तरह सारे अभी पलट दिया। फिर अभी और 2 मिनट चाहिए, स्टोव सिम करके ही रखना है। अभी इसके बाद ढकना नहीं है, ऐसे रहना है। अभी 2 मिनट हो गया, देखिए इसका इस तरह इस साइड भी रेडी हो गया। अभी हमें इसको निकाल सकते हैं। अभी इसको हम प्लेट में निकाल दिया। ऐसे हमारा पनियारम रेडी हो गया। ये खाने के लिए बहुत टेस्टी है और बनाने के लिए इजी भी है, साथ में चटनी भी बनाया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। अभी मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।